नमस्कार, अभी तक में आपका स्वागत है। मैं शरद राजवंशी हाजिर हूं अभी तक की खास खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। संभल में आगामी 19 फरवरी को प्रस्तावित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 12 फरवरी को संभल में कल्कि धाम का करेंगे द्वारा। कल्कि धाम शिलान्यास के कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक अधिकारी तैयारियों में जुटे। अमरोहा में कारोबारी पिता पुत्री की हत्या का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर किया खुलासा। पुलिस के मुताबिक बेटे ने ही नौकर के साथ मिलकर पिता और बहन की दराती से गला रेत कर की थी हत्या। संपत्ति विवाद में बेटे ने इस वारदात को दिया था अंजाम। भाजपा की पूर्व क्षेत्रीय मंत्री एवं धामपुर नगर पालिका परिषद की पूर्व अध्यक्ष लीना सिंघल को बिजनौर लोकसभा का सह प्रभारी किया गया मनोनीत। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष भूपेंद्र चौहान बोबी, जिला मंत्री पुरुषोत्तम अग्रवाल, नगर अध्यक्ष जितेंद्र गोयल सहित आदि ने बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना। अपर पुलिस अधीक्षक नगर जनपद बिजनौर द्वारा समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2024 के दृष्टिगत थाना कोतवाली शहर क्षेत्रांतर्गत परीक्षा केंद्रों का किया गया भ्रमण। ड्यूटी पर नियुक्त पुलिस बल को चेक किया गया तथा संबंधित को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। क्षेत्राधिकारी धामपुर द्वारा समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2024 के दृष्टिगत कस्बा धामपुर में परीक्षा केंद्रों का किया गया भ्रमण। ड्यूटी पर नियुक्त पुलिस बल को चेक किया गया तथा संबंधित को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। थाना बड़ापुर क्षेत्र के ग्राम कोटजुआना जंगल में पुलिस ने हिस्ट्री शीटर अभियुक्त को किया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से 60 लीटर अवैध कच्ची शराब की बरामद। चांदपुर में बाइक सवार युवक की अज्ञात वाहन की टक्कर से हुई मौत। युवक की मौत से परिवार में मचा कोहराम। नहटौर टेलीफोन एक्सचेंज में लगी अचानक भीषण आग। एमडीएफ कक्ष सहित आदि सामान जलकर राख। थाना हीमपुर दीपा पुलिस ने अभियुक्त को 150 किलोग्राम गोवंशीय मांस, गोक्षी में प्रयुक्त उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक कांटा, छापड़, छुरी आदि स्विफ्ट डिजायर कार सहित किया गिरफ्तार। थाना स्योहारा पुलिस ने अभियुक्त को किया गिरफ्तार। चोरी की गई ई रिक्शा की बरामद। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कौन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। अब खबरें विस्तार से। श्री कल्कि धाम शिलान्यास कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए डीएम ने की समीक्षा बैठक। अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जानकारी के अनुसार 19 फरवरी को संभल के एचौड़ा कम्बोह में श्री कल्कि धाम शिलान्यास कार्यक्रम होना है। इसके लिए प्रधानमंत्री का दौरा प्रस्तावित है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। 12 फरवरी को सूबे के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव संभल का दौरा कर सकते हैं। सीएम और पीएम के दौरे को देखते हुए जिलाधिकारी मनीष बंसल ने जिले के आला अधिकारियों के साथ आवश्यक बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। संभल से अंजुम इशरत की रिपोर्ट।
भारत सरकार द्वारा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न का सम्मान दिए जाने पर भाजपाइयों ने चांदपुर नगर स्थित चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सरकार का आभार जताया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चरण सिंह को भारत रत्न का सम्मान दिए जाने की घोषणा से जाट बिरादरी में हर्ष की लहर दौड़ पड़ी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं जाट बिरादरी का प्रतिनिधित्व करने वाले तथा ब्लॉक प्रमुख के पुत्र कपिल चौधरी के प्रतिष्ठान पर भाजपाई एकत्र हुए तथा एक दूसरे को मिठाई खिलाकर केंद्र सरकार का आभार जताया। भाजपा नेता कपिल चौधरी ने कहा कि चौधरी चरण सिंह एक साधारण नेता थे जिन्होंने किसानों की लड़ाई के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा थे। उनकी ईमानदारी एवं सादगी के साथ स्वच्छ राजनीति के कारण केंद्र सरकार ने भारत रत्न का सम्मान देने जा रही है। इस सम्मान से भारत का जाट बिरादरी का समाज गौरवान्वित हुआ है। उन्होंने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। इसके बाद सभी भाजपाई चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा स्थल पहुंचे जहां पर सभी ने पुष्पमाला अर्पित कर चौधरी चरण सिंह को नमन किया। कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता विकास गुप्ता, नगर अध्यक्ष मोहित अग्रवाल, जिला उपाध्यक्ष पुष्कर सिंह, वीरेंद्र राजपूत, योगेश शर्मा, मनजीत सिंह, प्रमोद शर्मा, सौरभ तोमर, अशोक शर्मा, मनदीप चौधरी, केशव चौधरी, विकसित तोमर, अर्पित गोयल, पीयूष अरोड़ा, गौरव लांबा, सुमन त्यागी, मीनू राजपूत, आजाद त्यागी, विशेष तोमर, अनुज गुप्ता, राकेश सैनी, सौरभ अग्रवाल आदि उपस्थित रहे। चांदपुर से अजय कुमार कौशिक की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो माननीय प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह भारत रत्न दिया गया उसके लिए उसको उपलक्ष्य में और उसको खुशी के अवसर पर ये जो है आयोजन किया गया था। चरण सिंह माने हमारे जो प्रधानमंत्री रहे हैं पुराने सामाजिक पुरोयोद्धा थे, सामाजिक न्याय के, उनका इतना बड़ा सम्मान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो किया गया है उसके लिए उनका बहुत बहुत बार धन्यवाद। और वैसे तो भाजपा सब समाज की पार्टी है परंतु जाट समाज को जो सम्मान मोदी द्वारा दिया गया उसके लिए जाट समाज हमेशा उनके रेडी रहे। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक पर, जाइएगा नहीं, देखते रहिए अभी तक। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें अभी तक न्यूज चैनल। टेलीफोन एक्सचेंज में लगी अचानक भीषण आग, एमडीएफ कक्ष सहित आदि सामान जलकर राख। जानकारी के अनुसार नहटौर में बीती रात टेलीफोन एक्सचेंज में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लगी है। आग लगने के समय टेलीफोन एक्सचेंज में कोई कर्मचारी नहीं था, टेलीफोन एक्सचेंज में ताला पड़ा हुआ था। मोहल्लेवासियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर घंटों पानी डालकर आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड को फोन करने पर फायर ब्रिगेड घंटों बाद पहुंची जब तक मोहल्लेवासियों ने आग पर काबू पा लिया था। वही घंटों बाद टेलीफोन कर्मचारी मौके पर पहुंचने पर लाइनमैन करण सिंह ने बताया कि एमडीएफ कक्ष जलकर राख हो गया जिससे पूरे शहर संबंधित गोव के वाईफाई के कनेक्शन पूरी तरह बंद हो गए हैं। वही डीजीएम एसपी सिंह मेरठ मौके पर पहुंचे और जांच में जुट गए हैं। उन्होंने कहा कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, मौके पर कोई कर्मचारी ही था, बाकी सभी प्रकार से जांच चल रही है। नहटौर से जहीन अंसारी की रिपोर्ट। नहटौर टेलीफोन एक्सचेंज में रात एक भीषण आग लगी, इस संबंध में क्या कहना है आपकी, किस तरह से लगी है? अभी कारणों के एनालिसिस की जा रही है। पहली प्रायोरिटी हमारा है कि हमारी सर्विसेज रिस्टोर हो जाए। हमारा कोई मेजर डैमेज नहीं हुआ है, सर्विसेज रिस्टोर करने का प्रयास कर रहे हैं, एक दो घंटे में रिस्टोर कर लेंगे। तो ये वाईफाई आपका तो चालू हो जाएगा, कनेक्शन चालू, टेलीफोन की जो कनेक्शन है वो भी चालू हो जाएंगे? नहीं, हमारे कापर पर कोई कनेक्शन नहीं चल रहे हैं, सब हमने वाईफाई पर फाइबर पर कन्वर्ट कर लिया है। तो ये जो शाम आग लगी, भीषण आग लगी है, इससे कितना नुकसान मानते हैं आप, कितना नुकसान हो गया होगा? नुकसान का अभी एनालिसिस किया जा रहा है, बहुत ज्यादा मेजर डैमेज नहीं हुआ है, केवल एमडीएफ में कुछ ब्लॉक्स डैमेज हुए हैं जो यूज में नहीं। तो यहाँ पर कुछ चपरासी वगैरह की व्यवस्था भी नहीं है क्या? अभी ये हमारा आउटसोर्स है,
और फ्यूचर में कोई स्टाफ मिलता है तो यहाँ पोस्ट करेंगे। थैंक यू। शेरकोट के मोहल्ला वीरथाला गंगाराम शिव मंदिर में भगवान की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा कराई गई। गंगाराम शिव मंदिर में भगवान श्री राम दरबार जी, माता सीता, लक्ष्मण, पवन पुत्र हनुमान जी की प्रतिमा विधि विधान पूर्वक कराई गई। साथ ही साथ माता शेरावाली, देवों के देव महादेव शंकर, भगवान सपरिवार की प्रतिमा भी रखवाई गई। इस दौरान विशाल भंडारे का भी आयोजन नीरज रुहेला सुपुत्र स्वर्गीय धर्मवीर रुहेला और अशोक कुमार टांक निवासी मेरठ द्वारा किया गया। भंडारे में राष्ट्रीय हिंदू रक्षा सेवा के मंडल संयोजक अमीश रस्तोगी उर्फ बोनी, योगेंद्र रस्तोगी, सुमित कुमार, डॉक्टर दीपक सिंह, प्रमोद कुमार रस्तोगी, अमित रुहेला, शशिकांत शर्मा, सुमित कुमार, नितिन कुमार, शुभम राणा आदि सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। शेरकोट से रंजीत सिंह की रिपोर्ट। अभी तक में खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। बने रहिए अभी तक के साथ और देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।